एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अंजलि के फैंस ने कर दिया है मुनव्वर का विरोध और प्रूफ के साथ कर रहे हैं इस बारे में बातें। वेल, आपको बता दूं आखिरकार क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर, स्वागत करती हूं आप सभी का फिल्म विंडो पर। दरअसल मुनव्वर ने अपने इंटरव्यूज में बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि भाई मेरे लिए अंजलि सिर्फ एक दोस्त थी और दोस्त की ही तरह थी, है और रहेगी। नाजल उनकी गर्लफ्रेंड है, इस बात को ओपनली उन्होंने कह दिया है और लॉकअप की सक्सेस पार्टी में लेकर गए थे और वहां पर जाकर सबसे इंट्रोड्यूस भी उन्होंने करवाया है। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ चुकी है, लेकिन अब भी अंजलि फैंस पर उठ रही, जिस तरह से अंजलि के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, इस पर अंजलि फैंस लगातार जो है वो चीजें मुनव्वर के विरोध में करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि एक वीडियो दरअसल सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस वीडियो के अंदर अली मर्चेंट, मुनव्वर फारूकी और साथ में अंजलि अरोड़ा, ये तीनों ही वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और वॉक करते वक्त में मिरर के साथ में यहाँ पर दोनों बातचीत करते आ रहे हैं। और जहां पर अंजलि ने उनको यानी कि मुनव्वर को बेबी कहा है और पलट के मुनव्वर के जो एक्सप्रेशन आए हैं और जो उन्होंने बात कही है, कहीं ना कहीं फैंस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मुनव्वर भी उतने ही इन्वॉल्व थे चीज़ों में जितना कि अंजलि। क्योंकि देखिए, अंजलि ने चीज़ें एक्सेप्ट करी थी इंटरव्यू के दौरान कि मैंने आई लाइक यू कहा है, आई लव यू तो नहीं कहा है, लेकिन चीज़ें जो है वो मुनव्वर की तरफ से भी थी, ऐसा अंजलि के फैंस कह रहे हैं। अब आप लोगों से जानना चाहूंगी इस पर आप लोगों की क्या राय है। आपने भी लॉकअप शो देखा है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को लगता है कि अंजलि और मुनव्वर दोनों ही काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे या नहीं, नीचे राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते हैं ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।